हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई हैं। बिग बॉस ओटीटी से पॉपुलर हुई उर्फी आए दिन चर्चा में रहती हैं। उनकी सुर्खियों में रहने के कारण भी बहुत सारे हैं, सबसे ज्यादा बोल्डनेस और अतरंगी फैशन। खैर, उर्फी भले ही अजीबोगरीब कपड़े पहनती हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी के आगे अच्छी अच्छी हसीनाएं भी फेल हो जाती हैं, और एक बार फिर ये बात साबित हो गई है। दरअसल गूगल ने साल सबसे ज्यादा सर्च की गई एशियन, मोस्ट सर्च एशियन ऑन गूगल 2022 की लिस्ट शेयर कर दी है। इस लिस्ट में उर्फी जावेद ने बड़ी बड़ी हसीनाओं को टक्कर दे डाली है। एक्ट्रेस 43वें नंबर पर हैं। उन्होंने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक की एक्ट्रेसेस को पीछे कर दिया है। अनुष्का शर्मा 50 पर हैं, जानवी कपूर 65 पर, जैकलिन फर्नांडिस, अनुष्का शेट्टी 47 पर, सोनाक्षी सिन्हा 53 पर, पूजा हेगड़े 56 पर, वहीं शिल्पा शेट्टी 59 पर हैं, कियारा आडवाणी 60 पर, कृति सेनन 85 पर, वहीं सारा अली खान 88 पर हैं, दिशा पाटनी 90 समेत अन्य बॉलीवुड स्टार्स उर्फी जावेद से बहुत पीछे छूट चुके हैं। हम सभी उर्फी जावेद की पॉपुलैरिटी से अच्छे से वाकिफ हैं। सोशल मीडिया पर उर्फी ही छाई रहती हैं। उन्होंने बहुत कम समय में न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना ली है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में से कई स्टार्स उर्फी के लुक की तारीफ कर चुके हैं, साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी से लेकर हॉलीवुड स्टार्स तक से भी तारीफ ले चुकी हैं। एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो से की थी। उर्फी ने मेरी दुर्गा, बेपनाह और चंद नंदी जैसे टीवी सीरियल्स में काम किया। हालांकि एक्टिंग से उर्फी जावेद के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा, उन्हें काम तो मिला लेकिन फेम की कमी रही। ऐसे में एक्ट्रेस ने अपने फैशन का जादू ऐसा चलाया कि कभी टूटे ग्लास, साइकिल की चेन, सिम कार्ड, टेप से बनी ड्रेसेस पहनकर लाइमलाइट बटोरती हुई दिखाई देती रही। और मैक्स मीडिया ने सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले हिंदी टीवी शो की लिस्ट जारी कर दी है। तो चलिए आप भी देख लीजिए कि आपका फेवरेट शो क्या इस लिस्ट में है। ये लिस्ट 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक की टॉप मोस्ट लाइक्ड हिंदी टीवी शो की है। इसी के साथ बता दें कि इस बार टॉप शोज की लिस्ट में अनुपमा से लेकर बिग बॉस सीजन 16 तक शामिल हैं। तो चलिए यहाँ जानते हैं लिस्ट में किस शो को क्या पोजीशन मिली है। बता दें कि टॉप 10 मोस्ट लाइक्ड हिंदी टीवी शो के लिस्ट में हमेशा की तरह रूपाली गांगुली, गौरव खन्ना, सुधांशु पांडे, अभिनीत अनुपमा नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा जमाए हुए है। ये शो महीनों से टीआरपी चार्ट पर भी राज कर रहा है। अन्य टीवी शोज अनुपमा को गद्दे से हटाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनुपमा की पॉपुलैरिटी के आगे बौने साबित हो रहे हैं। पूरी लिस्ट जरा देख लीजिए। बिग बॉस 16 ने ऑर्मिक्स मीडिया रिपोर्ट्स में टॉप 3 में जगह बनाई है। बता दें कि मेगा स्टार सलमान खान के 2010 में होस्ट के रूप में शामिल होने के बाद से बिग बॉस भारत का सबसे पॉपुलर टेलीविजन रियलिटी शो बना हुआ है। फिलहाल सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो का 16वां सीजन चल रहा है। इस सीजन में टीना दत्ता, शालिन भनौत, अब्दुल रोजिक, अंकित गुप्ता, निमृत कौर, साजिद खान, एमसी स्टैन, शिव ठाकरे, विकास, प्रियंका चाहर चौधरी, सौंदर्य शर्मा और अर्चना गौतम जैसे सितारे घर में एंटरटेनमेंट की डोज दे रहे हैं। बिग बॉस 16 ने ऑर्मेक्स मीडिया रिपोर्ट्स में 3रा स्थान प्राप्त किया है। क्या कटरीना कैफ प्रेग्नेंट है? बॉलीवुड गलियारों में नहीं, फैंस के बीच भी इस दिनों ये सवाल ट्रेंड हो रहा है। जब से विक्की कौशल संग कटरीना कैफ की शादी हुई है, लगातार एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा फिर हो रहा है जब से एक अवार्ड शो में कटरीना शिमरी ड्रेस में नजर आई। कटरीना कैफ का अवार्ड शो का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कटरीना इवेंट में शिमरी बैकलेस गाउन में पहुंची थी, जिसमें वो इतनी स्टनिंग लगी कि फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। कटरीना के रैविशिंग लुक से नजरें हटाने के बाद फैंस का ध्यान उनके बेली पर गया। वीडियो में कटरीना का पेट हल्का सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ऐसा बॉडी फिटेड ड्रेस की वजह से हो। कटरीना का ये टमी फैट भी हो सकता है, जिसे लोग बेबी बम बता रहे हैं। सच क्या है इसका खुलासा तो कटरीना ही कर सकती हैं, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। कमेंट सेशन में हर कोई यही पूछ रहा है, क्या कटरीना कैफ प्रेग्नेंट है? शख्स ने लिखा कि ये प्रेग्नेंट लग रही है। यूजर्स ने पूछते हुए लिखा, क्या ये बेबी बम है? कईयों को तो पूरा यकीन है कि एक्ट्रेस माँ बनने वाली है। कटरीना कैफ के ड्रेसिंग सेंस की तारीफ भी लोगों ने की है, कटरीना को प्रिची बताया है। वैसे पहली बार नहीं है जब कटरीना को लोगों ने मदर टू बी समझा हो। कटरीना कैफ को जब भी लोगों ने प्रेग्नेंट बताया, उसके उलट कटरीना ने अपनी ऐसी फोटो शेयर की जहां उनका फैट बेली दिख रहा है। देखते हैं कि इस बार कटरीना कैफ कैसे रिएक्ट करती हैं इन खबरों पर।
कभी ऐश्वर्या राय के साथ रिलेशनशिप में रहे विवेक ओब्रॉय अब इस रिश्ते के बारे में बात नहीं करना चाहते। हाल ही में एक इंटरव्यू में विवेक से ऐश्वर्या के साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में सवाल किया गया, जिस पर विवेक ने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। भाई दिल टूटा है, सालों साल जुड़ने में लग जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि विवेक की लाइफ का वो चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो चुका है, लेकिन यादें अभी भी बाकी हैं। बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में विवेक से पूछा गया, अगर करियर की शुरुआत में उन्होंने एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय संग रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया होता तो? विवेक ने सवाल का कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। आगे बातचीत में विवेक ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मेरी लाइफ का वो फेज बीत चुका है। दरअसल विवेक और ऐश्वर्या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, मगर वो रिश्ता लंबा नहीं चल सका। ऐश्वर्या के एक्स सलमान खान से दुश्मनी के चलते विवेक के लिए वो फेज मुश्किलों से भरा रहा। ऐश्वर्या के साथ उनकी लव लाइफ और कॉन्ट्रोवर्सी का असर विवेक के फिल्मी करियर पर पड़ा। शायद यही वजह है कि आज भी वो ऐश्वर्या के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने से बचते हैं। विवेक से पूछा गया कि उन्होंने ऐश्वर्या के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद उन्होंने कभी निजी जिंदगी पर बात क्यों नहीं की, इसके जवाब में विवेक ने कहा, मुझे लगता है कि अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपकी पर्सनल लाइफ पर चर्चा करें या इसके बारे में बात करें, तो आपको पब्लिक में इस तरह की बातें करने से बचना चाहिए। तो ऐसी मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप लगातार बॉलीवुड गपशप देखते रहिए और यूं ही प्यार लुटाते रहिए।